बताइए आपकी क्या फीलिंग्स है यहाँ पे पोल्टावा में आकर के, पोल्टावा यूनिवर्सिटी में आपके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम महेंद्र गोदर है, मैं राजस्थान से हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। और फीलिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फीलिंग का क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है यहाँ पे, और मतलब पढ़ाई भी हो रही है बहुत अच्छी है। मेरी यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन जो स्टूडेंट्स हैं, यूरोपियन स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी, और उसमें यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी सेकेंड नंबर पर आती है पूरे यूरोप में फॉर स्टोमोलॉजी के। और ये बात यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है कि मतलब जैसे हमारी स्टडी होती है तो वो पूरी इंग्लिश में होती है, ये नहीं है कि मतलब रशियन में होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी ये रशियन में होती है, हम वहाँ पर मतलब दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे उसकी लैंग्वेज में होगी, पर ऐसा कोई नहीं। यहाँ पे प्योर इंग्लिश में होती है, हम मतलब प्योर इंग्लिश में पढ़ते हैं। और जैसे मतलब टीचर के बारे में बात करते हैं, टीचर मतलब एकदम पूरे अच्छे से समझाते हैं हर चीज़, और मतलब पूरा फ्रेंक होते हैं, फ्रेंकली होकर बाद में पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब टीचर हो गया उसका एक डर होता है, मतलब जब इंडिया में रहते हैं तो टीचर का एक होता है कि यार ये टीचर है इसे डरो, मतलब ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि उससे डरो। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक दोस्त की तरह आराम से पढ़ाते हैं। तो फिर टीचर लोग स्ट्रिक्टनेस को कैसे कवर करते हैं? नहीं, वो पढ़ाते हैं एज ए फ्रेंड पढ़ाते हैं, नो ना कि वो फ्रेंड है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है बीच में, जो उन्होंने दिया है वो प्रिपेयर करके आओ, अगर नहीं करके आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक ये और सिस्टम है, इंडिया में ये होता है कि जैसे एग्जाम 6 महीने में होता है, उससे पहले क्या करते हैं, जैसे मेरे दोस्त है अभी, मतलब मैं भी PMT की तैयारी कर चुका हूँ पहले, तो वो मेडिकल कॉलेज है, वो क्या करते हैं पहले 6 महीने होते हैं उनमें, तो 6 महीने होते हैं तो उनमें क्या आती है कि जैसे 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले 4 महीने वो एकदम आराम से निकलेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी 6 महीने में, पहले 4 महीने फिर 2 महीने में वो पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आज का कल का टॉपिक है, ठीक है, कल का टॉपिक आएगा तो कल को हमको पूरा प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। अब उसका क्या होगा, हमको वो पूछेंगे एक तो ग्रुप में होते हैं कि 14 स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो नंबर तो पक्का आना ही है। ऐसे अगर 250 स्टूडेंट हो तो कहाँ से नंबर आएगा, पर यहाँ पे 14 मैक्सिमम है, 14 तो उसमें नंबर आना ही है। एक बार पूछने में 2.5 घंटे, इसकी 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें नंबर आना ही है। तो वो पूछते हैं तो उनको बताना पड़ता है, मतलब एक ये होता है कि अपने आप पढ़ना, ऐसे नहीं कि हम यार पढ़ेंगे नहीं कल पढ़ लेंगे तो अगले आज वाली क्लास में फेल हो जाओगे, ये बात है। तो स्ट्रिक्ट तो है, ऐसी बात नहीं है स्ट्रिक्ट में। और जहाँ तक मतलब लेबोरेटरी की बात है, बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी की भी है फैसिलिटी यहाँ पे, मतलब इससे आगे मतलब लाइब्रेरी है। और हॉस्पिटल की जहाँ तक बात आती है तो मतलब पोल्टावा के सबसे बड़ा और सबसे मतलब बेस्ट हॉस्पिटल है वो हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। अच्छा। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मतलब 2 या 3 मिनट लगेंगे मुश्किल से। अच्छा, जाते हुए। अच्छा। आप लोग का प्रैक्टिकल्स वहीं होता है? हाँ, प्रैक्टिकल्स वहीं होते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा। और जैसे लेक्चर होता है लेक्चर रूम में होता है, बाकी प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ से हॉस्टल कितने दूरी पे है, 5-10 मिनट? कितना दूर हॉस्टल हमको लगता है, 10 मिनट लगता है। अच्छा, पैदल ही आप लोग चले जाते होंगे? हाँ, तो इतनी दूर में क्या बस में बैठेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, यार मौसम के बारे में थोड़ा बताइए। मौसम तो देख लो, मौसम बढ़िया है, मतलब सर्दी में डर लगता है? सर्दी में जब आए थे उस टाइम तो मतलब यहाँ पे था 1 डिग्री था, तो उसमें भी मतलब एकदम कंपनी भी छूट गई थी पूरी, और अब यहाँ पे आज भी 1 है, तो ऐसे ही खड़े देख लो। अच्छा। ये बात मतलब अडेप्टिव हो जाते हैं यहाँ के ऊपर। अच्छा, मतलब कि इस सर्दी के डर नहीं है? नहीं, डर नहीं है, मतलब 5-4 दिन आपको लगेगा जब बाहर निकलोगे तो लगेगा, बाद में 5-4 दिन बाद में अपने आप जो बॉडी है वो अडेप्ट हो जाती है उसको। आप किस कंपनी से आए हैं यहाँ पे, किस कोऑर्डिनेटर्स कंपनी से आए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं रशियन एजुकेशन कंसल्टेंसी आया हूँ, जो मतलब उनके हेड हैं ओम प्रकाश जी। तो ये बात है कि जो कंपनी ने हमको बोला था वहाँ पे, तो वही चीज़ हमको मिली यहाँ पे, मतलब उसके अलावा कोई उल्टी चीज़ नहीं मिली। जैसे ये होता है कि उन्होंने कुछ और बोला हो, हमको कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक उनके व्यवहार की बात है, और तो उनके व्यवहार मतलब हमें हम जितने भी लड़के आए थे उनके साथ मतलब हमारा ऐसा व्यवहार है जैसे कि पेरेंट्स, हम बहुत छोटी से छोटी प्रॉब्लम होते हैं तो हम उनको बताते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, तो वो 15-20 मिनट में बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मैं कर दूँगा ये काम। इस कंसल्टेंसी के चार्जेज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? चार्जेज के बारे में ये है कि देखो, एक बार अगर आपने जैसे हमने एक बार दिया था यहाँ का जो पैकेज था, उस पैकेज में हमने एक बार दिया था, तो उसके बाद में हमको अभी तक मतलब
एक रुपया भी नहीं देना पड़ा उनको एक्स्ट्रा। तो अब ये होता है कि जैसे मतलब कई चीज़ें होती, कई जगह होता है, जैसे मेरे दोस्त हैं अभी जब हम साथ में पढ़ते थे उस टाइम हम अलग अलग जगह, जैसे जॉर्जिया में, और वो क्या करते हैं यहाँ तक जब मैं आ रहा था तो वो बोले यार हमारा तो इतना ही डॉलर है, तेरा इतना कैसे है, तो मतलब कम बताया गया। हाँ, उनको कम बताया गया, तो वो बोल रहे थे कि यार हमारा तो इतना ही है, तेरा इतना कैसे है। तो मैंने कहा पता नहीं, फिर मैंने पापा को पूछा, पापा ने बोला अरे नहीं ऐसे ही होता है, अपनी यूनिवर्सिटी बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब यहाँ पे आया तो मेरे को तो कुछ नहीं, मतलब मेरे को कोई क्या प्रॉब्लम होगी जब मैंने पूरा पैसा दे दिया और जब एक्स्ट्रा कुछ लेना नहीं। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके पास कभी मतलब किसी चीज़ के लिए $1,000 मांगे, कभी किसी चीज़ के लिए $500 मांगे, ये बात है। तो ऐसा इस चीज़ में कुछ नहीं है। तो अगर आप लो पैकेज में जाओगे तो हो सकता है ऐसा ऐसा चांस बनता है, लगभग चांस बनता है कि आपको दोबारा दूसरा पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो कंपनी है वो आपको जो मैसेज जो आपको दिया वहाँ पे, आप जो इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया, आपको जो चार्जेज बताया गया, आपको हर चीज़ मतलब कि एक्यूरेट बताया गया जी? हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज़ मतलब ऐसे नहीं है कि हमको अलग बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया हो, ये बात नहीं है। मतलब कि आपको जितना बात बोला गया पूरी उम्मीद ही आपके यहाँ पे पूरी हो गई? हाँ पूरी उम्मीद, मतलब जो पूरी उम्मीद थी जितनी थी यहाँ पे आने की, मतलब एक इच्छा थी और कुछ डर भी था कि यार यहाँ मतलब एक अलग देश है, क्या करेंगे वहाँ जाएंगे, मतलब क्या लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम आए थे, हमको अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अब तो हमको लैंग्वेज भी आने लग गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं होती पहले। बट पहले ये था कि घर जैसे घर वाले भी थे, एक बार तो हुआ था कि यार दूसरे देश में जा रहे हैं, मतलब आपकी लैंग्वेज भी नहीं आ रही तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब आए थे तो अचानक ये होता है कि दो चार दिन में थोड़े थोड़े सब तो आने लग ही जाते हैं, और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे लोकल में इंग्लिश भी चलती है थोड़ी देर, तो वो इंग्लिश में भी आप काम से नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पूछना चाहूँगा आपको यहाँ के जो सिटी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सिटी आप पीछे देख रहे हो मेरे, कितनी हरियाली है, ये जब बर्फ होती है तो बर्फ है, ऐसे हरियाली है ही, मतलब ग्रीनरी, ये ग्लोरी ऑफ यूक्रेन बोला जाता है यहाँ को पोल्टावा को। यहाँ के लोग के बारे में बताइए। यहाँ के लोग मतलब बहुत क्या उनका बिहेवियर मतलब हेल्पफुल है एकदम, मतलब एक फॉरेनर की तरह, ये नहीं है कि यार ये फॉरेनर आया मतलब ये अलग है, मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि अपना ये जो गेस्ट है उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को, इंडियन स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन आना चाहते हैं? मैं तो ये बोलूंगा कि करना चाहते हैं भाई जल्दी आ जा वहाँ पे, ये कोई टाइम वेस्ट करने मतलब नहीं है, नीट का आपको पता भी है, आपको भी पता होगा कि दो दो तीन तीन बार हो रही है हर बार, तो उसमें कोई मतलब नहीं। मैं तो ये बोलूंगा आ जा, बहुत अच्छी कॉलेज है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है यहाँ पे कॉलेज में, और जैसे हमको खुद को मिला है बहुत अच्छा, तो तुमको भी वही मिलेगा, रैगिंग वैगिंग कोई चक्कर नहीं है, हमारी खुद की नहीं हुई रैगिंग तो हम तुम्हारी क्या करेंगे। थैंक यू।